मेरे हिसाब से तो अश्विन को हमेशा खेलना चाहिए, और उमेश यादव ने जिस हिसाब से पिछले एक साल में गेंदबाजी की है और जिस हिसाब से भगाया है बल्लेबाजों को, उसको भी खेलना चाहिए। तो मेरे लिए दोनों ही खेलते हैं। मेरे मतलब मैंने तो प्रेडिक्ट भी किया था कि दोनों खेलेंगे, अश्विन और जडेजा दोनों खेलेंगे और तीन तेज गेंदबाज रहेंगे, और शायद केदार जाधव को नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो खराब प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी पारियाँ खेली, पर टीम जो हमारे 11 ही सिलेक्ट करना है तो उसमें यहाँ पर उमेश यादव, जैसे आपने कहा उनकी गेंद जो गति और बहुत सुधार भी किया अपने आप उन्होंने, सो मेरे हिसाब से तीनों तेज गेंदबाज खेलने चाहिए, भुवनेश, उमेश यादव और बुमराह, और ये दोनों स्पिनर। बिल्कुल, और अगर आप साउथ अफ्रीका मैच की बात करें तो जो जब उन्होंने दोनों ने गेंदबाजी की, एक ने राइट हैंडर को आउट किया हाशिम आमला को, एक ने लेफ्ट हैंडर को आउट किया क्विंटन डिकॉक, रविंद्र जडेजा ने क्विंटन डिकॉक को आउट किया, और जो उन्होंने गेंदबाजी साथ में की है, एक तो ओवर्स बड़े जल्दी निकल जाते हैं और दूसरी जब रन नहीं देते तो वो दबाव और बनता रहता है कि ओवर्स जा रहे हैं रन नहीं आ रहे, तो मेरे हिसाब से तो वो हमेशा दोनों ही खेलने चाहिए ज्यादातर। पार्टनरशिप में बॉलिंग उनकी तो बहुत ही अच्छी है। दोनों तरफ से इतना प्रेशर बना कर रखते हैं जिससे सफलताएं मिलती है, बैटिंग पार्टनरशिप होते हैं वैसे हमारी बॉलिंग में भी बिल्कुल पार्टनरशिप होनी चाहिए और हो रही है। मेरे लिए तो है क्योंकि आप देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि कौन से दिन आप कौन सा बल्लेबाज कैसे खेलेगा। अब श्रीलंका की अगर तुलना करें, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी कुछ किया नहीं, पर जब बल्लेबाज हावी हुए तो भारत के खिलाफ हुए और वहाँ पे हमारा चिंक इन दी आर्मरी दिखा, हमारा वीकनेस उस दिन दिखा। अब बांग्लादेश का अगर कोई बल्लेबाज सेट हो जाए, वो तमीम हो या इमरुल कैज़ हो या जो भी हो, शकीब अल हसन हो, वहाँ पे हम अगर पांचवा बल्लेबाज गेंदबाज ढूंढेंगे तो वो हमेशा ही भरी है। आप पांच अपना ऑप्शंस तो लेके जाइए हमेशा, आपके पास इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, आपको उन पे यकीन होना चाहिए कि वो अंत तक खेलेंगे। आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो एंड तक खेल सकते हैं, उनको भी बैटिंग करना आता है, तो ये ऑप्शन ऑफ फाइव बॉलर्स ऑप्शन क्या, ये आपको नेसेसिटी है मॉडर्न डे क्रिकेट में। जडेजा अश्विन दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि पांच गेंदबाज में समस्या तब होती जब किसको एक मेन गेंदबाज का दिन ठीक नहीं जाता। और आरपी इतने साल हम क्रिकेट खेले हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि पांचों के पांचों का अच्छा दिन जाए, दो का अच्छा जाता है या तीन का अच्छा, एक का ऊपर नीचे, एक का खराब जाता ही जाता है, तो तैयारी हमारी उसके लिए चाहिए, खराब जब किसी एक का जाएगा तो उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। इंग्लैंड हावी होगी और हम जितने भी हरे शर्ट वाले हैं उनके खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर बांग्लादेश के खिलाफ हम जीत जाएंगे तो बैटल ऑफ द ब्लूज हो जाएगा, डिफरेंट ब्लूज। बिल्कुल सही, इंग्लैंड और भारत दो टीमें जो हैं जो मुझे लगता है दोनों फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल।